एकतरात् प्रतिषेधो वक्तव्यः, इस पर चल रहे थे ना। अन्यतमस्य तु अन्यतमम् इत्येव यहाँ तक हो गया था। अन्यतम शब्द को अन्यतर से अलग से पृथक ग्रहण नहीं किया सर्वाधिकरण में, जैसे अन्य अन्यतर ग्रहण किया वैसे अन्यतम ग्रहण नहीं किया, इसलिए वहां पर डतर अदृढ़ आदेश नहीं होगा। एकतरात् प्रतिषेध वक्तव्य, इसलिए एक शब्द से जब डतरा प्रत्यय करोगे तो क्या बचेगा वहां, एकतर बचेगा। एक शब्द से डतरा प्रत्यय कर दिया तो एकतर प्रातिपदिक बन जाता है, ये भी डतर प्रत्यांत है। डतर प्रत्यांत होने से अदृढ़तादिभ्य सूत्र जो कल आपने पढ़ा है वह प्राप्त हो गया, अदृढ़तादिभ्य सूत्र आ गया। तो उसे बांधने के लिए वार्तिक लाते एकतरात् प्रतिषेधो वक्तव्य, एकतर शब्द से प्रतिषेध कहना चाहिए। जब प्रतिषेध हो गया अदृढ़ नहीं होता तो हो गया एकतरम एकतरे एकतराणी, एकतरम एकतरे एकतराणी, एकतरेण एकतराभ्याम एकतरैः एकतरस्मै एकतराभ्याम एकतराभ्यः एकतरेभ्यः, हाँ एकतरेभ्यः एकतरस्मात् एकतरस्मात् एकतराभ्याम एकतरेभ्यः एकतरस्य एकतरयोः एकतरेषाम एकतरस्मिन् एकतरयोः एकतरेषो, हे एकतर हे एकतरे हे एकतराणी। ह्रस्व नपुंसक के प्रातः शुरू होगा श्रीपा शब्द, श्रीपा श्रियं पातीति श्रीपा, आदंत धातु है आदातो, लक्ष्मी का पालन करने वाला श्रीपा तिथि श्रीपा। श्रीपा शब्द से सुवाया गता रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, यद्यपि ये सूत्र सु लाने से पहले ही लगेगा, सुवादि कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, लाने से पहले ही हो जाएगा। रस्व नपुंसके प्रातिपदिक, रस्व प्रथमा का एक वचन, नपुंसके सप्तमी का एक वचन, प्रातिपदिकस्य षष्ठी का एक वचन, तीन पदों वाला सूत्र। अजंतस्य इत्येव, अजंतस्य इत्येव, अजंत नपुंसक लिंगों का प्रातिपदिकों का नपुंसक लिंग में क्या होता है, ह्रस्व। अजंत प्रातिपदिकों को नपुंसक लिंग में ह्रस्व, ह्रस्व जब विधान कर दिया ज्ञापन हो गया, दीर्घ जो अजंत है उन्हीं को ह्रस्व करना है, तो ह्रस्व को ह्रस्व करके कोई फायदा नहीं, यहां कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यह विभक्तियों से आने से पहले कर रहा हूं। दीर्घ प्रातिपदिक देखा और उसको नपुंसक में प्रयोग करना है तो उस समय सूत्र लग गए, विभक्ति आने के बाद यदि लगाते तब तो सोचना पड़ता ह्रस्व को ह्रस्व करने में भी लाभ होता कुछ ना कुछ, यहां नहीं। अतएव यहां अजंत कहते ही समझना है हमें, ह्रस्व विधि सामर्थ्यात दीर्घ जो अजंत प्रातिपदिक है, दीर्घ अजंत प्रातिपदिक, चाहे दीर्घ आ हो जैसे यहां है, चाहे दीर्घ उ या दीर्घ ई या दीर्घ री, कोई भी दीर्घ वाला प्रातिपदिक है, उन दीर्घ वाले प्रातिपदिकों को क्या करेगा, नपुंसक लिंग में ह्रस्व करेगा। दीर्घ कहने से यही मत सोचिएगा ई उ री आ यही दीर्घ है, ये ना सोचिए, नपुंसक लिंग में ये वो आई औ ये भी दीर्घ है, इन दीर्घों को भी ह्रस्व आदेश करने वाले हैं, ये वो आई औ को भी हम ह्रस्व आदेश करेंगे, अब देखेंगे भी रूप बनाएंगे। ये च इक ह्रस्वादेशे सूत्र आएगा, ये च इक ह्रस्वादेशे आगे सूत्र आने वाला है, एच दीर्घों को भी ह्रस्व करना है तो कौन सा ह्रस्व करना, तो एक करो बोला उसे, ह्रस्वादेश कार्य कर्तव्य एच स्थाने इक्स्यात् ये कहता है, और ह्रस्वादेश करना कौन बोला, ये सूत्र बोल रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो केवल परिभाषा है, वो आपकी व्यवस्थापक सूत्र परिभाषा सूत्र विधि सूत्र तो यही है, ये कहता है ह्रस्व करो, अभी एच का तो कोई ह्रस्व होता नहीं तो क्या करो ह्रस्व, ये संशय होता है
तब वो सूत्र कहता है जब रसवादिश कार्य कर्तव्य हो एच के स्थान पर, तो एच को हमेशा इक ही रसवादिश करना कर व्यवस्था दे देना। इसलिए दीर्घ अजंत कहने से ये सब आ ई ऊ री ए ओ ऐ औ दीर्घ री तो होता नहीं, लकार से दीर्घाभावात इतने दीर्घों को ये सूत्र क्या करता है नपुंसकलिंग में ह्रस्व कर देगा। एतादृश दीर्घांत प्रातिपदिकों को अजंत दीर्घांत प्रातिपदिकों को यह सूत्र नपुंसकलिंग के विषय में यदि प्रयोग किया जा रहा है तो ह्रस्व कर देता है। अतः पहला क्या हो गया ह्रस्व हो गया, ह्रस्व होने के बाद में स्वाद उत्पत्ति श्री अब स्वाद ले आओ चलाओ ज्ञानवत श्री पम ज्ञानवत इसलिए लिख दिया आगे श्री पम ज्ञानवत, क्योंकि अदंत हो गया ज्ञान के समान दिख रहा है अदंत हो गया है, इसे जैसे ज्ञान का रूप अपने चलाया वैसे श्री पशत का रूप चलाएंगे। श्री पम श्री पे श्री पाणी यहाँ पर श्रीपाणी श्रीपेणा श्रीपाणाम जो दंत्य नकार को मूर्धन्य नकार हुआ है वो अटकुप्पाण व्यवपी से नहीं है क्योंकि अखंड पद नहीं है, श्री अलग पद है पालक पद है समास हुआ है श्रीयम पाति इति श्रीपा। यहां पर सूत्र है एकाजुत्तर पदे एकाजुत्तर पदे न, ये सूत्र दंत नकार को मूर्धन्य नकार करेगा क्योंकि उत्तर पद कौन है ये दो पद है ना श्री और पा, ये जो उत्तर पद है ये एक अच्छा वाला है, एक अक्षर उत्तर पद जब रहेगा उसके व्यवधान रहने पर भी पूर्व पदस्थ रेफ को देख करके आगे आया हुआ जो श्री पाणी में जो नकार है वर्णत्व हो जाएगा। एकाजुत्तर पदे एकाच उत्तर पदे को एकाजुत्तर पदे न बहुत आगे सूत्र आएगा आगे आपके है लघु में सूत्र है बाद में आएगा। आप ह्रस्वीकारांत रूप में देखिए ये दृष्टांत एक ही दिया दीर्घ में क्योंकि एक ही से बहुत है कि जितने भी दीर्घ हो सब ह्रस्व हो जाएंगे, ह्रस्व सब ज्ञान के समान चलना ही है इसे अनेक दृष्टांत देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आते एक ही से इसको समाप्त कर आप ह्रस्वीकारांत है वारी वारी ह्रस्वीकारांत रूप है वारी कहते जल को, जल का नाम है वारी वारी धन सु सु के सकार बचेगा आराम भी ले लीजिए इकट्ठा प्रथमार्ध द्वितीय इकट्ठा लेना पड़ता है नपुंसकलिंग में एक जैसा रूप बनता है प्रथमार्ध द्वितीय इकट्ठे कर लो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, जो काम होना है वो इकट्ठे होना है। स्वमोर नपुंसका स्वमोह षष्ठी का द्विवचन नपुंसकात पंचमी का एक वचन दो पदों वाला सूत्र है। नपुंसकलिंग वाले शब्दों से परम में आए सु और अम को लुक हो जाता है, चाहे ह्रस्वकारांत हो दीर्घाकारांत हो कोई भी हो सब जगह प्राप्त था, यानी हमने इसलिए बताया था ना स्वर प्राप्त उसको अतोम बाध देता है, अदंत में क्या करेगा इसको बाध देंगे अतोम सूत्र अतोम ने बाध दिया इसलिए वहां अम्मा आदेश हो गए सुवरम को लुक नहीं हुआ सुवरम लुक नहीं हुआ किंतु सुवरम को वहां पर अम्मा आदेश कर दिया था। यदि ये सूत्र हम वहां प्राप्ति दिखा सकते हैं ये आप लोग पढ़ाए पढ़े नहीं क्योंकि बात मालूम नहीं आगे है इसलिए हमने बताया नहीं था, लेकिन वास्तव में इसकी पहले प्राप्ति दिखा करके अतोम के द्वारा इसको बांधना ज्ञानम बनेगा तब तो समोर नपुंसकात ये कहता है चाहे अजंत है चाहे हलंत से कोई मतलब नहीं, नपुंसक लिंग में कोई भी शब्द का प्रयोग हो रहा हो
उस शब्द से परम में आया हुआ सु और रम इन दोनों को लुक कर देगा। लुक क्या चीज है? लुक किसका नाम है? प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः, सूत्र आपने पढ़ा है पहले। प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः प्रत्ययस्य आदर्शनम लुक श्लू लुप शब्दैः लुक श्लू शब्द संज्ञा स्यात्। लुक श्लू लुप शब्दों के द्वारा प्रत्ययों का जो लोप करना आदर्शन करना होता है उसी का नाम लुक श्लू लुप हो जाता है। इसे लुक का मतलब प्रत्यय का लोप। अतः स्वरम चला गया, रूप बन गया वारी। इसलिए सूत्र ले सहायक लेना पड़ेगा प्रत्यय लुक्ष्लुलुप। इस सूत्र की सहायता से समोन्न पुंसकात ये क्या करेगा? इसको लुक कर देगा। अंग संज्ञा तो सर्वत्र करना ही पड़ता है कि ये सब सप्तम अध्याय के सूत्र आप लगा रहे हैं तो स्मार्ट प्रत्यंगम से वारी शब्द का अंग संज्ञा। इसलिए प्रत्यंगम से अंग संज्ञा प्रत्यय से लुक्ष्लुलुप संज्ञा सूत्र ये दोनों ही है, इनकी सहायता से आप लगा रहे हैं समोर नपुंसका वारी 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 धन औ वारी धन औ औ आउट इकट्ठा ले लेते हैं दोनों में औ ही बचता है। क्या प्राप्त है? प्रथम पूर्व सवर्ण पहले इक्वेंची प्राप्त है उसके बाद यह प्रथम पूर्व सवर्ण उसको बाद करके नपुंसकाच्च शी कर देना है। वारी धन शी स्थान उदादेश विधौ लशक्वत दित्य प्रत्यय तुला करके शकार की संज्ञा करके बाकी आदर्शन लोप तस्य लोप के साथ लोप हो गया वारी धन। स्थिति में इक्वेंची प्राप्त है उसके बाद देता है अकाश वर्ण दीर्घ उसे भी बात करके सूत्र आप लगाएंगे इकोचि विभक्तौ इकोचि विभक्तौ इकः षष्ठी एक वचन अची सप्तमी एक वचन विभक्तौ सप्तमी का एक वचन षष्ठी एक वचन सप्तमी एक वचन और सप्तमी एक वचन तीन पदों वाला सूत्र है। इगंतस्य नुम अचि विभक्तौ इगंतस्य नुम स्याद अचि विभक्तौ इगंत अंग को नपुंसक लिंग में प्रयुक्त इगंत अंग को नुम होता है अच के परे रहते हुए कैसे अच विभक्ति संज्ञक अच मैंने आजादी विभक्तियों के परे रहते आजादी विभक्तियों के परे रहते हुए इगंतांग क्लीप को नुम हो जाता है आजाद विभक्तियों के परे रहते हुए इगंत से नुम अची विभक्त इगंतांग को इसलिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी यहां पर सहायक सूत्र अंग संज्ञा तो कर ही चुके हो शी लगाते हुए किया है यहां पर शी के में सहायक बनता है नपुंसकाच्च के लिए ही यस्मात्स्तदा प्रत्यंगम लगाना पड़ता है। अंग संज्ञा इसलिए पूर्व से हो चुका है अब जरूरत क्या फिर उसके अलावा विभक्तिश्च विभक्ति संज्ञा करनी है विभक्तिश्च यद्यपि इसको भी आपको पहले करना पड़ेगा क्योंकि अब तो आदेश के ही बचा है इसकी विभक्ति संज्ञा नहीं हो सकती न सुप है न तिंग है या फिर उससे आपको लाना पड़ेगा सुप्त स्थान से जैसे प्रत्यत्व लाए सुप्त में भी लाओ तो इसे सुप्त जब लाओगे तब सुप्त के कारण से इससे विभक्ति संज्ञा हो जाएगी विभक्ति विभक्ति संज्ञा मिदचो अंत्यात्पर मित है ना ये मिदचो अंत्यात्पर इस सूत्र से परिवार सूत्र इन दो सूत्र की सहायता यहां लेंगे बाकी सब पूर्व से हो जाएगा विभक्तिश्च मिर्चो अंत्यात्पर इन दो सूत्र से इकोचि नुम विभक्तों से इकोचि भक्तों से नुम आगम हो गया नुम कहां आता है वारिन
सिद्धांत प्रातिपदिक हो जाता है ना, दीर्घ आदि कैसे कर नहीं हो पाता, इसलिए नुम को यहां करने बोला, वहां नहीं करने बोला। प्रत्येक को नुम नहीं होगा, अंग को नुम होगा। अचा मध्य अंत्या तस्मात् परः तस्यैव अव्ययः मित् स्यात्। ये तो कहा ना, अचों के मध्य में जो अंत्य वा आ री में ई, आ और ई दो अच्छे, इन दोनों में अंत्य कौन है, ई, उससे पर में न बैठ गया और उसी के अंतावय हो गया, इसलिए वारिन धन ई रह गया, वारिन धन ई, अजन्म जन्म परिण संयोज्यम वारिनी। दंतनकार को आपको पी से नट हो जाएगा, वारिणी वारी वारिणी। दीर्घ रस पलट दो, वारिणी बहुवचन हो जाएगा, है ना, दीर्घ इधर आ जाएगा, रस उधर चला जाएगा, बहुवचन में कैसे होगा। अब जस शस में ले लीजिएगा, जस शस में यहां से बदलेगा, जस शस अस बचा है, इक्वेंसी प्राप्त है, प्रतिभूषण प्राप्त है, दोनों को बाद गए, आपने क्या किया, जस शस शी, जस शस शी, यस्मात् प्रसिद्धादि प्रत्यंगम अंग से परे जस और शस को शी होता है, जस शस शी, शी हो गया वारी धन शी। आवे शी के स्थान उदाहरण विधौ प्रत्य तुलाओ लशक उत्तरीते लगाओ अदर्शन लोप तस्य लोप से तालवेशकार का लोप हो गया वारी धन ई। उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगा, इसका जो ई बच गया उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गया वारी देन ई। सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से तब लगे जब नांत होगा तब ना, अभी नांत हुआ ही कहा, नपुंसक से झला चाह, नपुंसक से झला चाह लगे, सर्वनाम स्थान को कर रहा है ना परे रहते हुए, निमित्त विशेष को लेकर के, वो तो सर्वत्र करेगा आजादी भक्ति में, और ये कहाँ करेगा, केवल सर्वनाम स्थान में, इसलिए अपवाद कर देगा नपुंसक से झला चाह, ये कोची भक्त हो तो नपुंसक से झला चाह से क्या हो गया, नुम हो गया, तो वारिन धन ई, वारिन धन ई, यहां भी वही बोलना पड़ेगा, मिलचंत्याग पर सहायक सूत्र है, सहायक सूत्र से वही रहेंगे ना, नपुंस जलचा के लंग संज्ञा तो ही है और अजंत है, उसको नुम आगम कर मिलचंत्याग पर लाना पड़ता, इसलिए नपुंस जलचा में मिलचंत्याग पर सहायक है, वारिंदनी स्थिति बन जाता। अब लगेगा संबुद्धि संज्ञा वाला एक वचनम संबुद्धि, इसको दिखाने असंबुद्धि वाला जस है, ये कल बताया था ना, जैसे एक वचनम संबुद्धि ही सहायक बन गया, भू कालो झसुदीर्घ प्रतः सहायक है, ठीक, और कौन सूत्र लगा, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से दीर्घ हो गया वारीन धन ई, वारस भी है आपको पांग एपी नत्व कर दीजिए, वर्ण मेलन कर दीजिए, वारीनी वारीनी। तो वो मैंने कहा बात दिया ना नपुंसक जलचा ने उसको, इको जी भक्तों को बात देगा ये, क्योंकि केवल सर्वनाम स्थान के प्रत्यय कर रहा है और वो आजादी सकल विभक्तियों में कर रहा है, उसके लिए बहुत क्षेत्र उपलब्ध है,
इसके लिए उपलब्ध नहीं है, ये निरवकाश हो जाता। अट को पंग में वाय नत्व करेगा ना, वारिणी, तो प्रथमा और द्वितीय के रूप बन गए वारी वारिणी वारिणी, ये रूप। आप संबोधन में ले रहे हैं, देखिए कुछ विशेष बातें कहना है इनको संबोधन में। हे वारी धनसु, हे वारी धनसु, हे वारी धनसु, हे वारी धनसु, स्थिति में क्या सूत्र लगेगा? सीधे सीधे अभी आपने पढ़ा है समोर नपुंसकात्, लुक हो जाए समोर नपुंसकात्। यहां भी आप लोग कहेंगे एक रसा समझ लगा रस से परे है, अरे वो तो सब जगह करेगा, ये तो बेचारा जल नपुंसक न करता, इसलिए रसवा समुद्र आ भी जाए उसको भगा देगा रसो संवर्ण पुंस का लुक कर। और किया वह लुक का नित्य, इसलिए रसवा से गुण से गुण हो जाए। तो नलमतांगस्य, यहां लाएंगे आप गुण को निषेध करने के लिए, ये क्या करे सुको लुक कर दिया, बचा कितना हे वारी बच गया। आप कहते इसको गुण कैसे करूं, एक पक्ष में गुण की संभावना है यहां रस्वस्य गुणा, हे हरे जैसे बनाया हे वारे बन गया, लेकिन आपके हमने लुक कर दिया है, लुक करने के बाद रस्वस्य गुणा नहीं लग सकता, क्यों? न लुमतांगस्य, सूत्र पहले पढ़ा आपने, लुमता शब्द लुप्ते तन्निमित्त अंग कार्यम न स्यात्। लुक्ष्णु लुप शब्दों के द्वारा यदि प्रत्यय का लोप कर दिया जाता है तो वहां उस प्रत्यय के निमित्त जो अंग कार्य है वो नहीं हो सकता। और गुण क्या है? अंगकारी, रस्व से गुण अंगकारी, अंगाधिकार में छठे अध्याय का छह चार, इसलिए न लुमतांग से आएगा यहां गुण को रोकने के लिए। तब एक लिख रहे देखिए, न लुमता इत्यस्य नित्यत्वात् पक्षे संबुद्धि निमित्तो गुणः, न लुमतांग से सूत्र अनित्य इसलिए वो रोक नहीं सकता, इस संबुद्धि निमित्त गुणिया हो जाएगा एक पक्ष में, हे वारे बन जाएगा। कद ये पता कैसे चला आपको नलमदांगस्य अनित्य है? कद इस सूत्र में जो अच्छी ग्रहण किया वही ज्ञापन, कोची विभक्त, इस सूत्र में अच्छी क्यों ग्रहण किया है? हलादि को व्यावर्तन करने के लिए ना, अजादि विभक्ति में हो इसका मतलब क्या, हलादि विभक्ति में ना हो ये कहना चाह रहे हो आप, ना ऐसा कहना बेकार है, क्योंकि हलादि विभक्ति में नुम कर भी लू तो क्या फर्क पड़ने वाला है? जैसे वारी धन भ्याम भिस भ्याम भ्यस, कोई भी ले लो सुख सब हलादि, कोई भी ले लीजिए सुख को भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, नुम कर दो, नुम कर देंगे हम वारी धन भ्याम हो जाएगा, ये तो होगा ना वारी धन, स्वादिष्ट से इसकी संज्ञा कर दूंगा, नलव प्राथम सरकार का लोप कर दूंगा, वारी भ्याम बन जाएगा, तो नुम करने पर आपत्ति क्या है? कि रूप में कोई विकृति तो नहीं है ना, तब आप कहेंगे नुम करने पर संबोधन में बिगड़ेगा। यदि हम संबोधन में विश्व के प्रति हलादी में नुम कर दूंगा तो क्या होगा, हे वारी, यहां नलव प्राश लोप नहीं कर पा सकते, क्यों? न गि संबुद्धियो हो, न गि संबुद्धियो हो, तो संबुद्धि के विषय में और घी के परते हुए नकार का लोप नहीं होता, यह श्रवण का आपत्ति है, इसलिए हलादि व्यक्ति कहना जरूरी है। यदि ऐसा कहें तो यह भी आपत्ति नहीं है, क्यों? क्योंकि लुक शब्द से जो लुप हुआ है संबुद्धि, जब है तन्निमित्त निषेध कहां से आएगा, नगी संबुद्धियो, यदि लुक गुण को निषेध कर सकता है और लुक जो है नलोप निषेध जो आ रहा है उसको भी निषेध कर सकता है, नलोमदांगस्य,
इसे ज्ञापन होता है न लब्धांगस्य अनित्य, नहीं तो यहां नकार श्रवण होता क्योंकि न लब्धांगस्य क्या बोल रहा है, लुमता शब्द लुप्ते तनमतंग कार्य न स्या, जब अंग कार्य नहीं होना है तो यह लुम भी नहीं होगा ना, ये संबुद्धि का क्या हुआ यहां लुक हुआ तो नुम होगा ही नहीं यहां, तो नुम के श्रवण का भय कहां, नुम के श्रवण का भय इस संबोधन में नहीं हो सकता, ध्यान भी वगैरह में लोप हो जाएगा, असल वहां भी नहीं रहा, तो फिर अच्छी क्यों कहा सूत्र में पाणिनि ने कि किसी भी हलादि में नुम होने पर भी कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं, क्योंकि भ्याम बेस सुप ये सात हलादि हैं आपका, उन सातों हलादि में स्वादिष्ट शस्त्र नाम से पद संज्ञा हो जाएगा, ठीक, पद संज्ञा होने मात्र से ही नलो प्रांत से नकार का लोप हो जाएगा, रा संबुद्धि का सु या प्रतिमा के एक वचन का सु वहां नुम करूंगा तो नुम वहां प्राप्त नहीं होगा, यदि नलोमतांग से नित्य है तो नलुमता से नित्य है तो वो क्या कहेगा, लुक शब्द के द्वारा जब प्रत्येक लोप हो गए वंग कार्य ना हो ये कहेगा ना, और सुख क्या हुआ है लुक हुआ है या नहीं, संबोधन में सुख क्या हुआ लुक हुआ, अरे लुक नुम को नहीं रोकेगा क्या, फिर न की संबुद्धि क्या होगा नकार का श्रवण होगा क्यों डरा रहे हो हमको, यदि हम यह नुम करेंगे नकार का श्रवण होगा ये डरा रहे हो हमको, क्योंकि वास्तव में यदि नलोमतांग से नित्य होता तो जैसे वो गुण को रोक सकता है तो नुम को भी रोक देगा, अतएव अच्छी कहना सूत्र में व्यर्थ होगा, व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है नलोमतांग से नुम को रोकेगा नहीं, अर्थात नलोमतांगस्य अनित्य है, यदि नलोमतांगस्य अनित्य है तो लुक पक्ष गुण हो जाएगा, हे वारे इरुपन्न ध्यान में आ गया, क्योंकि आपको नुम करने से अच्छी कहा है क्यों, ये प्रश्न डालो पहले कि कोची विभक्तो सूत्र में अच्छी क्यों कहा, जवाब आएगा हलादि में ना हो इसलिए कहा, ये तो कहोगे तो मैं कहूं पूछूंगा आपसे हलादि में नुम हो जाए तो बिगड़ा क्या आपका, कुछ आपत्ति है क्या कि रूप में कोई दोष हो रहा है या अलक्ष्य रूप बन रहा है, है? या साधु शब्द सिद्धि हो रही है क्या, हम कहेंगे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नुम कर भी लोगे वहां भ्याम और सुप में इन सात जगहों में आप नुम कर भी लेंगे स्वादिष्ट शस्त्र नाम स्थान से मैं क्या करूंगा पद संज्ञा करके नलुभ प्रातिपदिकांत नकार को लोप कर दूंगा, वारिभ्यम वारिभी वारिभ्यम 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 वारिभ्य तो बनेगा ही वारिशु बन जाएगा, रूप में कोई दोष नहीं रहेगा नंबर एक, और रहा प्रतिमा का सु में और संबुद्धि का सु में, ये हलादी है, इस हलादी में नुम करूंगा तो प्रतिमा के सु में तो समस्या नहीं, वहां भी नलोप प्राण से लोप कर दूंगा है ना, वहां भी नकार का लोप हो सकता है, किंतु संबुद्धि में यदि हम नुम कर देते हैं तो नम न की संबुद्धि हो नकार के लोप को निषेध करेगा तो नकार श्रवण में आ जाएगा, ये आपत्ति आप दे सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा ये तब आपत्ति होगी यदि नुम होगा तब ना, यदि आप नुम कर सकोगे तो नुम का लोप नहीं होगा और श्रवण होगा, ये सब आपत्ति आप संबोधन में दे सकते, हे वारिन बन जाएगा राजन जैसे है ना, ये आपत्ति तब आप दे सकते हैं यदि नुम होगा वहां तो, लेकिन मैं कहूंगा वह नुम ही नहीं होगा यदि नलोमतांग से नित्य है तो, कि नलोमतांग से क्या कहता है लोमता शब्द न लुप्त तन्यमतंग कार्य न स्यात्, नुम भी क्या है अंग कार्य है, इकोची वक्तव सात एक तिहत्तर का है, अंगस्य के अधिकार में है, छह चार से सातवें अध्याय की परिसमाप्ति तक पूरा का पूरा अंगाधिकार है, इस अंग कार्य है,
अंगकारी होने से संबुद्धि में भी सुख का लुक हो गया, सुख लुक होते न लुमता ऐसा करके क्या करेगा, नुम को रोकेगा। यदि अंग रोकने की क्षमता है उसको, गुण को रोकने की क्षमता है अंग में, तो नुम को भी रोकने की क्षमता होनी चाहिए उसको। यदि नुम को रोक लेता है तो संबुद्धि में तो आपत्ति रहा नहीं रहा नुम का, न कि समुद्र आएगा श्रवण होएगा या आपत्ति रहेगा क्या, जब नुम ही नहीं होगा तो श्रवण का आपत्ति नहीं रहा और हलादि में आपत्ति नहीं रहा, फिर सूत्र में अच्छी क्यों कहा, बोलो क्यों कहा, व्यर्थ हो गया ना। हलादि में आपत्ति नहीं, प्रथमा में आपत्ति नहीं, संबुद्धि में आपत्ति नहीं, कहीं दोष नहीं नुम को लेकर के, फिर सूत्र में अच्छी क्यों कह रहे हैं। यह ज्ञापन करता है नलोमदांगस्य अनित्य है, वह कभी रोक सकता है कभी नहीं भी रोक सकता है, इस अंग कार्य को वो नहीं रोक पाया। हे वारी, धन सुलुक होने के बाद में वारी में होने वाला अंग कार्य जो था उसको रोक नहीं सका तो क्या हुआ, रस्वस्य गुण सूत्रा करके गुण कर दिया, गुण कर दिया रूप बना हे वारे। और एक बार रोक देगा वो अनित्य है ना, एक बार रोक भी देगा, जब रोक देगा ना गुण हुआ ना नुम हुआ, दोनों ही छुट्टी, गुण नुम दोनों चले गए, तो क्या हो जाएगा हे वारी नहीं होगा, हे वारी एक पक्ष, हे वारे हे वारी दो, हे वारीणी वारीणी जस में औ में हे वारिणी, तो हे वारे हे वारी हे वारिणी हे वारिणी, इसने लिखा मूल में नलुमता इत्यस्य अनित्यत्वात् पक्ष संबुद्धि निमित्तो गुणस्य, संबुद्धि निमित्त गुण हो जाएगा। अच्छा हे वारे हे वारी, द्वितीय में वही बनेगा वारी वारिणी वारिणी, तृतीय में वारी शब्द को घी संज्ञा होगा, वारी शब्द को घी संज्ञा, आंगो ना अस्त्रिया, स्त्रीलिंग में मात्र निषेध है ना, पुल्लिंग में तो नपुंसकलिंग में कोई निषेध नहीं, इसलिए नुम को बाद करके ना आदेश हो जाएगा, दोनों में बहुत अंतर पड़ेगा। रूप देखने में एक बनेगा, नुम करते तो भी वारी ना होता, ना आदेश करते तो भी वारी ना होगा, इन फर्क है, ना में प्रत्यय स्वर रह जाता है, नुम करने पर नुम स्वर आ जाएगा, कि नुम कहाँ होगा वारिन को होगा ना, तो ना आदेश किया तो वारी घंटा है, ता को ना कर दिया वारी धन ना, देखो न कहाँ है वहां उस तरफ, अनुम करते तो यहां होता ना वारिन धन आ हो जाता, नकार प्रत्यय का वय यहां है या नकार प्रकृति का वय होगा, इसलिए यहां प्रत्यय स्वर रहेगा या प्रकृति स्वर हो जाएगा, यह आपत्ति हो जाती है, इसलिए कोच ही वक्तों को बात करके आंगो नास्त्र घी संज्ञा विशेष कारण से ना आदेश कर देंगे, और इकोची तो बिना घी संज्ञा वाले स्थान में तो काम करेगा ही ना, जिन शब्दों का घी संज्ञा नहीं है वहां तो करेगा, वो सखी नहीं बनाएंगे अभी नपुंसक जिसकी घी संज्ञा नहीं होती, इसलिए वो अन्यत्र चरितार्थ हो ही रहा है, अघी संजक शब्दों में इकोची वक्त चरितार्थ हो जाता है, अतएव इन्होंने क्या किया यहां पर गैरंगीति सूत्र से गुण भी करेंगे आगे, इसीलिए अंगनास्त्रियाम से नादिश कर दिया, और आगे लेकर घेरेंगी दीदी गुणे प्राप्ते, वहां वार्तिक रोकेगा गुण, यदि वहां भी कहूंगा घी संज्ञा के वजह से क्या करना नुम को बात दो, तब वार्तिक कहता है वृद्धौत त्रिज्वत भाव गुणेभ्य नुम पूर्व भी प्रतिषेध है ना, पूर्व प्रतिषेध लग रहा है, पर सूत्र को भी पूर्व सूत्र बाध देगा उल्टा, पर सूत्र को पूर्व सूत्र बाधने का नाम पूर्व प्रतिषेध, विप्रतिषेध परम कार्यम न किंतु विप्रतिषेध पूर्वम कार्यम स्यात्, ये पूर्व प्रतिषेध का मतलब वृद्धि औत्व त्रिज्वत भाव
और गुण, ये चार चीजों को बांध रहा है और कहते हैं पहले नुम करो, जहां वृद्धि प्राप्त हो उस वृद्धि को रोक देना, जहां औत्व प्राप्त कहा इदुत्भ्याम सूत्र है ना औत्व करने वाला त्रिजत भाव त्रिजत क्रोष्टु से और गुण वर्तमान गिरगिति सूत्र से, तो रोक कर क्या कर दिया आपने नुम कर दिया वारिधन ए में, वारिधन ए ने का ए बचा है इको एन किसी अन प्राप्त था उसे बात करके घेरेंगी थी घी संज्ञा की सहायता से गुण करने आया उसे बात करके बात दिया कौन सूत्र आपका वृद्ध इत्यादि वार्तिक सूत्र वार्तिक, इस वार्तिक से बात देने से लौट आता है इकोची भक्तो नुम कर दिया वारिंधन ए हो मिला दीजिए वारी ने, अरे सप्तमी भी रोक देगा क्योंकि औत्व का देना औत्व विद्युत व्याम सप्तमी होता है ना वहां भी रोक देगा वहां भी नुम करा दे गुण और औत्व दो का दृष्टांत यहां पर है वृद्धि त्रिजत भाव के यहां नहीं है तो वारी शब्द में वृद्धि का प्रसंग नहीं है त्रिजत भाव का भी प्रसंग नहीं है लेकिन षष्ठी का बहुवचन में नुम को भी बाल करके नुट होएगा नुम अचिर त्रिजत भावे नुट पूर्व प्रतिषेधे न पढ़े था ना पहले नुम अचिर त्रिजत भावे न नुट पूर्व प्रतिषेधे न कहा क्रोष्ठी शब्द पढ़े थे आप इस वार्तिक का या नहीं इसलिए षष्ठी का बहुवचन में वारिधन आम में जो विशेष उत्तरी का बोल रहा हूं बाकी सब पूर्व चलेगा वारिधन आम वारिधन में इको एंड से यण प्राप्त था उसको बाद करके आपको प्राप्त इकोची विभक्तो इकोची विभक्तो से नुम प्राप्त है इसको रोक दिया वार्तिक ने नुम चिर त्रिजत भावे भ्य नुट पुरुष शिलेना बाद दिया उसको तो ह्रस्व अध्याप नुट हो गया नुट हो गया तो क्या वारी दन नाम हो जाएगा लाभ है कि नुट करने से नाम ही दीर्घ होगा यदि नुम करते तो दीर्घ नहीं होता नुम करते तो दीर्घ नहीं कर सकते थे इसे उसने बात दिया नुम को वार्तिक कारण बाद के नुट करा दिया अब नाम ही लग गया वारी नाम बाकी सब पूर्वत है सहायक सूत्र वगैरह ध्यान रखना दंत नकार को मूर्धन्य नकार अटको पांगड़ वे वे पीछे वार्तिक हाँ ये पहले आपने पढ़ा है जहाँ क्रोष्ठी शब्द आया था नुम अचिर त्रिजत भावे भ्य नुट पूर्व प्रतिषेधेना ये पूरा वार्तिक पुल्लिंग में आया है क्रोष्ठी शब्द उसका रसोध्या नुट लग गया नुट हो गया वारी का नाम है नाम ही से धीर कर दो वारी नाम हो गया दंत नकार घट को बाण से न कर दो वारी नाम बने नुमच रही थी नोट सप्तमी में भी औत्व जो प्राप्त युद्धभ्याम से बाल करके नुम करवा दिए इस वार्तिक कार ने वृद्धौत्व है ना त्रिजोत भाव गुण गुणे भ्यो नुम पूर्व प्रतिषेध देना कह करके वहां औत्व निषेध कर दिया इसलिए वहां भी नुम हो गया वारिणी बनेगा हलादो हरिवत होगा रूप चलाइएगा वारी वारिणी वारीणी वारी वारिणी वारीणी वारिणा वारिभ्याम वारिभिः वारिणे वारिभ्याम वारिभ्यः वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः वारिणः वारिणोः वारीणां वारिणी वारिणोः वारिषो हे वारे हे वारी हे वारिणी हे वारिणी अच्छा तो आप इसके बाद शब्द हाँ बहुत बढ़िया शब्द है गर्मी में आनंद देने वाला दही दही है दही
जल, जल के बाद दही आ गया। ये चित्र क्रम रख दिया इन्होंने यहाँ, लक्षण है ना क्रम। बीच में दूध तो रखा ही नहीं, दूध से दूध से दूध में जल मिला के दही बना ले हैं। जल के बाद सीधा ही दही में आ गए। दधि शब्द, दधि, दधि दन सु, दधि दन सु, इसमें पूर्वत रूप बनेगा सारा वारिकी जैसे ही। केवल टा में सूत्र लगना, टादी अजादियों में, टादी जो अजादी है तृतीया के बाद, तृतीया क्योंकि प्रथमार्ध द्वितीय तो बराबर बनता है, सुओजस अमोजस दोनों के बराबर रूप होते हैं, तो जैसा अभी आपने वारी का बनाया वैसे इसका भी बनेगा। दधि दधिनी दधीनी, दधि दधिनी दधीनी, हे दधे, हे दधि, हे दधिनी, हे दधीनी, ये तो ऐसे ही कैसे है। टा में दधिदन टा लाने के बाद पूर्वत नुम को बात करके घी संज्ञा करता हुआ आंगो नास्ती हमसे ना होने की प्राप्ति है, उसे बांध कर सूत्र ला रहे अस्थि दधि सत्यक्षणाम अनंगुदात्तः। अस्थि दधि सत्यक्षणाम अनंगुदात्तः, अस्थि दधि सत्यक्षणाम, षष्ठी का बहुवचन, अनंग प्रथमा का एक वचन, उदात्तः प्रथमा का एक वचन, तीन पदों वाला यह सूत्र है। दधिघंटा इस अवस्था में सूत्र लगा रहे हैं आप, दधिघंटा एशान अम एशाम अनंग स्यात् तादा वची, एशाम अनंग स्यात् तादा वची, इन चार प्रातिपदिकों में केवल कह रहा है, इसलिए नुम को भी बात देगा, नुम को ना ने बाधा, ना को ये बात देगा और अनंग करेगा। दधिदंता आ का बच गया आ, दधिदन आ, इस स्थिति में क्रम वही है प्राप्ति का बताना, दधिदन आ इको एनर्जी प्राप्त है पहले, उसे भगा रहा है कोची भक्तो, नुम उससे भगा दिया वार्तिक कार ने, है कि नहीं, नुम को बात कर क्या बोला वहां, ना कर दो, है कि नहीं, ना कर दिया आपने, नुम चिरा नहीं, क्या था अभी बाधने वाला, वृद्ध्यौत, वृद्ध्यौत वगैरह ने रोक दिया तो क्या हो गया, नहीं वो तो नहीं, आंगो नास्त्री हम बाधेगा, ये वार्तिक नहीं आएगा भाई, गुण का नहीं है ना मामला, तृतीया है, चतुर्थी में वो लगेगा गुण के मामले, यहाँ आंगो नास्त्री हम आएगा, आंगो नास्त्री हम आ गया, उसे भी बाध करके ये सूत्र लगा, अस्थि दधि सत्यक्षणाम अनंगुदात्तः। अंग संज्ञा कर लेना, यश मात्र प्रत्यंगम और बिच, दो सूत्र की सहायता से अनंत स्वरूप बोलना पड़ेगा, नहीं सर्वादेश प्राप्त है ना, अन्न अनेकाल है, दधि भी अनेकाल है, सर्वादेश प्राप्त था, अलंत्य प्राप्त पहले उसे बाद दिया अनेकाचित सर्वस्य, और अनेकाल को बाद करके बिच्छा लगा, तब अंत में बैठ गया दधन हो गया, दधन धन आ, दधन धन आ, ये स्थिति हो गया, अनंग है ना, अनंग में अन्न बचता है, अन्न आदेश हो गया, तो दधन धन आ, इस स्थिति में सूत्र लगेगा अल्लोपो अनह, अल्लोपो अनह, अल्लोपो अनह, अल्लोपो अनह, अत प्रथमा का एक वचन, प्रथमा का एक वचन गलत बोल दिया, षष्ठी का एक वचन, लोप प्रथमा का एक वचन, अत षष्ठी का एक वचन, लोप प्रथमा का एक वचन, और अनह षष्ठी का एक वचन, तीन पद,
अंगावयवो आसरनामस्तानि यजादि स्वादि परयोवन तस्य अकारस्य लोपस्य अंगावयवो असरनामस्तान सरनामस्तान से भिन्न संज्ञक प्रत्यय होना चाहिए। यहाँ नपुंसक सरनामस्थान तो जस और शस दो ही जगह होता है ना। शी सरनामस्थान सूत्र आता है जस शस को जो शी आदेश हुआ तो सुसरनामस्थान हुआ, अतवे तरह से जस शस की सरनामस्थान मान के चलो है या नहीं। और सब जगह असरनामस्थान हो गया, इसलिए यहां पर हम लोग जब असरनामस्थान से क्या कहेंगे जस शस हो शी का जो सरनाम संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है शी सरनाम लाओ, सरनाम पर से लाना नहीं यहाँ पर नपुंसक है वो तो अनुपुंसक से कहता है उसको लाने से कोई फायदा नहीं है। ये असरनाम स्थान साबित करने के लिए क्या लाना है शी सरनाम स्थान को लाओ तो वो कहेगा शी मात्र जो जशस के स्थान में वो सरनाम स्थान संज्ञक है, अतः उससे भिन्न होने के कारण से जो टाक आ है ये क्या हो जाएगा असरनाम स्थान हो जाएगा। ठीक, जब ये असरनाम स्थान से स्थापित हो गया और कैसा है वो यकारादि तो नहीं है किंतु आजादी भी है। असरनाम स्थान वाला यकारादि हो अथवा असरनाम स्थान वाला आजादी हो वही सूत्र काम करेगा। अंगावयवो असरनाम स्थान यजादि स्वादि परो यकारादि हो अथवा आजादि स्वादि होनी चाहिए, यह आजादि स्वादि है ही है ना। ऐसी स्थिति में ये जो अन्न है दधन में जो अभी आपने अन्न आदेश किया था तो अन्न के अकार का लोप हो जाता है, अन्न के आकार का लोप हो गया तो क्या बचेगा दध दहल हो गया नहल ही है और आ लाल जा जन्म जन्म परिणाम संयोज्यम दधना रूप दधना चतुर्थी पंचमी षष्ठी सब जगह आजादियों में जो जो सूत्र प्राप्त उन सबको बाधता हुआ यह सूत्र सर्वत्र अनंग करेगा अल्लोपोन सर्वत्र आकार का लोप करते जाएगा और रूप बनेगा दधने दधना दधना दधनोह ये रूप बनते जाए। लेकिन घी में विकल्प करने वाला सूत्र आएगा फिर कल देखेंगे।